हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहले कैसे हो सब? बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी मस्त हूँ। आगे फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, निस्सु ब्लॉग उत्तराखंडी। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से, और आज का मौसम भी ठीक ठाक ही है। मौसम तो आपको पता है, शाम के टाइम में ना हमेशा खराब हो जा रहे हैं, सुबह धूप भी लग रही है। तो होप नाश्ता कर दिया होगा, मैंने तो कर दिया है नाश्ता करके। मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ और नहा धो के बस। और फिर भी गर्मी हो रही है बहुत, लग नहीं रहा है कि मैं नहा रखी हूँ, फिर भी गर्मी तो हो ही रही है। और दीदी लोग जस्ट अभी गए हैं, सूरज और दीदी बागेश्वर गए हैं, थोड़ा सूरज का टेस्ट भी करवाना था और इस वजह से भी गए हैं। और आज दीदी लोगों का बर्थडे भी है, सूरज और दीदी और पापा का बर्थडे, तीनों का एक साथ है। तो दीदी लोगों का बर्थडे मना रहे हैं, तो इसलिए सामान वगैरह भी लेने गए हैं। और मम्मी गई है लटपोड़ा पाई पहुँचाने। चलो दोस्तों, 11 बज चुके हैं और दिन के खाने का टाइम हो चुके हैं, मतलब बनाने का टाइम हो गया है। तो बनाती हूँ मैं भी खाना, और अभी तक मम्मी नहीं आई है घर। तो आज तो फुल बर्थडे पार्टी चलने वाली है। दीदी लोग भी बागेश्वर है, मैंने कॉल की थी अभी, बस आते होंगे भराड़ी मार्केट में। ठीक, खाना बनाते बनाते 12 बज जाते हैं, उसके बाद मम्मी भी आती है, फिर साथ में खाना खाएंगे। तब तक मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, मम्मी को भूख लगी होगी तो मम्मी चिल्लाएगी मेरे पे। तो दोस्तों, मैंने चावल तो बना लिए हैं, बस थोड़ी दाल उबल रही है, पहले इसको उबालते हैं फिर उसके बाद बनाऊंगी अच्छे से। तो सुबह मौसम बिल्कुल ठीक था, अभी का मौसम देख सकते हैं, बादल आ गए फिर से। ऐसे हो रहा शाम के टाइम में आजकल। तो दोस्तों, मैंने खाना भी खा लिया है, होप आपने भी खा लिया होगा। जो ना बाहर पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो इसलिए मैं अंदर से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने लक्कू को पकड़ा है। हेलो लक्कू, हेलो बुआ, हेलो, जो हाय बोल रही, हेलो बोल, हेलो बोल जा। और इधर देखो, कैमरे में देखो, और क्या बोलोगे? खड़े उठो, खड़े उठो, खड़े होने की कोशिश कर रही है लक्कू। हो भी जाती है, हो भी जाती है, उठो उठो उठो, उठ जा, उठ गई, उठ गई गंदी लड़की। छिछी, मेरा हाथ काट रही है, हाथ काट रही तू, ये देखो हाथ काट दे रही। तो ना अब दीदी लोग भी पहुंचने वाले हैं घर, दीदी की कॉल आई है, तो सामान देने आने करके थोड़ी देर में जाऊंगी। सबसे पहले मैं पानी भर के लाती हूँ तब तक। तो दोस्तों, अभी हम रोड में जा रहे हैं सामान लेने। सब सामान लेने जा रहे हो ना? हाँ। किसका सामान लेने जा रहे हो तुम? जल्दी आ भाई, तो फटाफट से दीदी लोग बुला रहे हैं, सब आ गए हैं, मतलब महक रस्सी ले जा रही। महक रस्सी भी दिखा दे थोड़ा, सबसे ज्यादा और सामान भी इसी में लाने हैं, सब घोड़े की तरह। बस महक ही लाएगी और कोई नहीं लाएगा। और तो फाइनली ला गए सामान, केक है, और महक सामान ले जाने की तैयारी कर रही है। हम नहीं ले जाएंगे। तो दोस्तों, बर्थडे की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर गड्डू मुंडा नेट चला रहा है बिना सिंगे, और सुजल ने पूरे गुब्बारे बना दिए हैं। फिलहाल उषा लक्कू को पकड़ ली, और यहाँ पर हमारे सर बैठे हैं। सर कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोलेगा। ये बबली पूरा जोर शोर लगा रही गुब्बारे बनाने में, और ये देखो दीदी अपने बर्थडे की डेकोरेशन खुद कर रही है। तो लक्कू भी बना रही गुब्बारे। लक्कू, लक्कू, ये देखो गुब्बारे के बराबर तो खुद ही नहीं है। और सूरज भी अपने बर्थडे में गुब्बारे वारे फुला रहे हैं। वाह, क्या दिन देखना पड़ा, वाह। तो दोस्तों, बर्थडे किसी और के है, और तैयार मैं हो रखी हूँ, और डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई है। चार।
बहुत